एंटीना के क्वेश्चंस की बात करते हैं, एमसीक्यू। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटीना? ठीक है, तो इंटरसेप्ट आरएफ सिग्नल्स रेडिएटेड बाय अ डिस्टेंट एंड फ्रॉम रेडियो। तो ये मेन पर्पस है, ठीक है, इंटरसेप्ट करना आरएफ सिग्नल्स को, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को, और मॉड्यूलेशन में भी मदद करता है। तो ये तो बात है ही, मेन ये आ जाता है, अगर आता है, पूछा जाता है। नेम द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ग्राउंड वेव। तो ग्राउंड वेव के तीन मेन कंपोनेंट की अगर बात करें तो वो है डायरेक्ट वेव, ग्राउंड रिफ्लेक्टेड एंड सरफेस वेव। ओके, तो इसमें जो स्किप वेव है, स्काई वेव, तो ऑब्वियसली बात है नहीं हुआ ग्राउंड वेव का कंपोनेंट, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गए। अब यहाँ पे जो स्किप वेव है तो वो भी नहीं होगा। नंबर थ्री, इन स्काई वेव प्रपोगेशन, ठीक है, डैश प्रोवाइड्स द सिग्नल पाथ बिटवीन ट्रांसमिशन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो आयनोस्फेयर जो होता है, हमारे एटमोसफेयर का एक जो लेयर होती है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो स्काई वेव प्रोपोगेशन की अगर बात करें तो आयनोस्फेयर एज अ पाथ काम करता है। फोर्थ, एट लो फ्रिक्वेंसी हमारा कौन सा ग्राउंड वेव हमारा काम करती है, उनका नाम ही स्काई नहीं करेंगे, स्किप नहीं, डायरेक्ट नहीं, ग्राउंड। विच अमंग द फॉलोइंग वेव प्रोपोगेशन इज यूज फॉर कम्युनिकेशन, तो ग्राउंड वेव लो फ्रिक्वेंसी पे। नंबर 12, विच टाइप ऑफ एंटीना पोलाइजेशन इज यूज इन मीडियम एंड लो फ्रिक्वेंसी। तो हमेशा याद रखेंगे वर्टिकल टाइप ऑफ एंटीना पोलाइजेशन को यूज करते हैं फॉर मीडियम एंड लो फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है, वर्टिकल। ट्रांसमिटिंग एंटीना कन्वर्ट्स द ट्रांसमिटर आउटपुट पावर इन टू अ, ठीक है, तो एंटीना हमेशा क्या करेगा, आपकी जो पावर मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में चेंज करेगा, ईएम फील्ड में चेंज कर देगा। तो इसका आंसर तुरंत ही देख के समझ जाना है कि ये होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रीजन्स ऑफ एटमोसफेयर विद रेस्पेक्ट टू देयर हाइट्स, करेक्ट ऑर्डर हमको बताना है। तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, और फिर लास्ट में हमारा आयनोस्फेयर आता है, ठीक है, आयनोस्फेयर ऊपर ही आएगा। तो इस हिसाब से ये बीच वाला गलत हो गया, दोनों आयनोस्फेयर हमारे, और यहाँ पे भी बीच में आयनोस्फेयर डाल दिया, तो बाकी तो देखने गलत, आयनोस्फेयर ऊपर, ट्रोपोस्फेयर नीचे, इस हिसाब से। सिक्स, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड वेव विच प्रोवाइड्स बेस्ट कम्युनिकेशन इन यूएचएफ वैंड। तो ग्राउंड वेव के तीन कंपोनेंट हमने देखे थे, ठीक है, क्या था, डायरेक्ट, ग्राउंड रिफ्लेक्टेड और सरफेस। तो इन तीनों में से कौन सा कंपोनेंट हमारा यूएचएफ बैंड में ज़्यादा मदद करता है? तो डायरेक्ट वाला जो है वो यूएचएफ बैंड में अच्छी खासी मदद करता है। व्हाट, वेयर डज अ, सॉरी, वेयर डज अ ग्राउंड ट्रेवल। तो जो ग्राउंड है या ग्राउंड वेव पूछना चाह रहा है, तो वो कहाँ ट्रेवल करता है? तो अर्थ के सरफेस पे ही ट्रेवल करता है, ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस। उसके बाद नेम द कंपोनेंट्स इन द रेडिएशन फील्ड। तो रेडिएशन फील्ड क्या है? ईएम रेडिएशन। उसके दो ही कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है, तो इसका ऑब्वियस सा आंसर है। 15 पे आते हैं, द टर्म डिफाइंस द पीरियोडिक इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ रिसीव्ड रेडियो स्ट्रेंथ। तो जो रिसीव्ड रेडियो स्ट्रेंथ है उसका पीरियोडिक डिक्रीज या इंक्रीज को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे फेडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8th, द पोलाइजेशन ऑफ अ रेडिएटेड वेव इज डिटरमाइंड बाई। तो पोलराइजेशन को की बात कर रहे हैं कि पोलराइजेशन को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो बाय द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये याद रखेंगे, ठीक है, डायरेक्शन से डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा पोलराइजेशन है। उसके बाद आते हैं 16 पे, नेम द टाइप ऑफ रेडियो वेव प्रोपोगेशन यूजफुल इन मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड। तो यूएचएफ में हमने देखा था कि ग्राउंड का कौन सा पार्ट, डायरेक्ट वेव वाला पार्ट, और मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए हम स्काई भी यूज कर लेते हैं और ग्राउंड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मीडियम की बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं 9th पे, विच प्रोपोगेशन वेव प्रोवाइड्स द बेस्ट कम्युनिकेशन इन द वीएचएफ बैंड। तो हमारा ग्राउंड, ठीक है, तो ग्राउंड वीएचएफ के लिए ग्राउंड, ऐसे यूएचएफ के लिए हमने ऊपर देखा था डायरेक्ट वेव ग्राउंड का ही कंपोनेंट, और मीडियम फ्रीक्वेंसी के लिए स्काई एंड ग्राउंड दोनों। एट विच आर द टू टाइप्स ऑफ एंटीना पोलराइजेशन, एंटीना पोलराइजेशन के दो टाइप क्या है? तो वो है हमारे पोलराइजेशन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये याद रखेंगे, ये हो गया, ये हो गया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिसीविंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना का क्या पर्पज है? तो वेरी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडियो वेव, जो रेडियो वेव रिसीव होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है, मेन पर्पज ये है, क्योंकि बाकी ऑप्शन मैच नहीं करे। रेडिएट्स एनर्जी इन टू स्पेस, तो ये तो ट्रांसमिटिंग एंटीना का काम है। सेंड्स रिसीव्ड सिग्नल टू द मॉड्यूलेटर, तो एक ये काम भी हो सकता है, और ऑपरेट्स एज अ सिग्नल। लेकिन अब ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि रिसीविंग साइड में मॉड्यूलेटर नहीं, डीमॉड्यूलेटर यूज होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑपरेट्स एज अ सिग्नल सोर्स, तो ये भी गलत हो गया, तो फिर ये बचा।
उसके बाद आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीना आर यूज इन कम्युनिकेशन। तो इन्फिनाइट टाइप के एंटीना हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंटीना पैरामीटर काफ़ी सारे हैं, किसी में कुछ घटा दिया, किसी में कुछ बढ़ा दिया, तो जितने तरीके के चाहे एंटीना बना सकते हैं, तो इन्फिनाइट टाइप के एंटीना बना सकते हैं। डैश इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग रेडियो वेव्स। तो एंटीना, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। वट इज़ अ डायमेंशनल क्वान्टिटी ऑफ रेडिएशन पैटर्न। तो रेडिएशन पैटर्न हमारा कैसा होता है, तो थ्री डायमेंशनल होता है। फिर आते हैं 28 पे, था एरेज ऑफ एंटीना आर स्पेस इक्वली अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस के संग रखा है, तो उनको हम लीनियर एरे कहते हैं। ये टाइप ऑफ एरे है, एरे मतलब अरेंजमेंट ऑफ मोर देन वन एंटीना, मतलब काफ़ी सारे एंटीना का अरेंजमेंट है, तो उसको एरे बोला है हमने। फिर बात करते हैं 28, 3 dB बैंडविड्थ। ठीक है, 3 dB बैंडविड्थ इज अदरवाइज नोन एज, तो हाफ पावर बैंडविड्थ भी हम इसको बोलते हैं, 3 dB बैंडविड्थ को। तो क्या 3 dB को हमने बोला हाफ पावर। ठीक है, बैंडविड्थ बैंडविड्थ दोनों जगह है, HP BW, तो हाफ पावर बैंडविड्थ, एक टर्म यहाँ से नया हमें पता चला। उसके बाद आते हैं 29 पे, इन अ डैश एरे द रेडिएशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग हमारा रेडिएशन होता है। ठीक है, वाई डायरेक्शन, तो हमारा ब्रॉड साइड एरे में हमारा जो रेडिएशन होता है वो वाई डायरेक्शन के अराउंड होता है। मीन्स इन द एलिमेंट्स ऑफ यागी उड़ा एंटीना, यागी उड़ा एंटीना के हमें एलिमेंट्स बताने, तो रिफ्लेक्टर भी होता है, फोल्डेड डायपोल और डायरेक्टर तीनों ही होते हैं हमारे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर आते हैं कि डैश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बीम एरिया। तो बीम एरिया जो ये है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टिविटी जो हमारी होती है कि एंटीना का पैरामीटर है, तो वो हमारा बीम एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टिविटी को ही हम और क्या कह सकते हैं, डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू रिजोल्यूशन, हम उसको रिजोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बीम एरिया और डायरेक्टिविटी इज द रिजोल्यूशन। यागी उड़ा के तीन कंपोनेंट, रिफ्लेक्टर, फोल्डेड डाइपोल और डायरेक्टर। फिर आते हैं डैश इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एंटीना टेम्परेचर। एंटीना के टेम्परेचर की बात करेंगे तो हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, गेन। बीम एरिया, डायरेक्टिविटी, बीम एफिशिएंसी भी पैरामीटर है, लेकिन एंटीना टेम्परेचर के लिए हमारा गेन इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर। दिस हो गया। उसके बाद आते हैं व्हाट इज द रेडिएशन पैटर्न ऑफ यागी उड़ा एंटीना। यागी उड़ा एंटीना भी ऊपर भी आया था, इसका रेडिएशन पैटर्न होता है यूनिडायरेक्शनल, तो ये याद रखेंगे, अच्छा MCQ है। फिर आते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वर्चुअल रेजिस्टेंस। तो ऐसा रेजिस्टेंस जो कि वर्चुअल रेजिस्टेंस है, रियल रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होता है, अब रेडिएशन क्या है, रेडिएशन तो एक मतलब रियल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग तो रेजिस्टेंस होगा, तो वो वर्चुअल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, फिजिकल रेजिस्टेंस तो कभी वर्चुअल रेजिस्टेंस हो नहीं सकता, हीट भी नहीं, ये भी नहीं। फॉर स्मॉल, ये हो गया, फॉर स्मॉल डिस्टेंसेज द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्लैट रीजन। तो स्मॉल डिस्टेंसेज के लिए हम अर्थ को फ्लैट रीजन कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, तो अब ये तो इतना एरिया हमने माना, तो ये क्या है, एक कर्व है। ये क्या है, ये जो ठेक होता जा रहा है कर्व है। हमने अर्थ को और बड़ा बनाया, हमने थोड़ा सा एरिया लिया तो ये कर्व थोड़ा सा कम हुआ, हमने अर्थ को और बड़ा बना दिया। अब अगर थोड़ा सा एरिया ले लो, मान लो ये एरिया ले लो, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो फ्लैट हम मान सकते हैं अर्थ को। ठीक है, स्मॉल रीजन के लिए। मीन्स द थ्योरम विच कैन बी अप्लाइड टू, ठीक है, जिसको हम बोथ सर्किट और फील्ड थ्योरी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। सर्किट थ्योरी क्या है, जो हम नेटवर्क में पढ़ते हैं, फील्ड थ्योरी क्या है, जो हम EMFT में पढ़ते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, एक में डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यूज होते हैं, एक में लम्प पैरामीटर यूज होते हैं। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम एक अकेली थ्योरम है जिसको हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, वन ऑफ द थ्योरम्स है जिसको हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। नेम द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है, घटाना ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ ड्यू टू वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फेडिंग हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो फेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सिग्नल की स्ट्रेंथ को घटा सकते हैं। डायरेक्टिविटी इज ऑलवेज, ठीक है, ग्रेटर देन गेन, हमेशा गेन से ज़्यादा ही होती है डायरेक्टिविटी। एंटीना अपर्चर इज सेम एज एरिया, एंटीना का जो अपर्चर है, ये जैसे एक एंटीना है, ये एंटीना है एक, तो इसका जो अपर्चर मतलब वो एरिया के बराबर ही होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एट विच रीजन फॉर लार्ज, ठीक है, तो स्मॉल के लिए देखा फ्लैट, तो लार्ज के लिए तो ऑब्वियस ही बात है कि लार्ज डिस्टेंसेज के लिए अगर हम देखेंगे, मान लो हमने देख लिया इतने कम के लिए, यहाँ देख रहे हैं तो ठीक है फ्लैट है, अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये तो कर्व पता चल रहा है ना साफ, तो कर्व्ड। एंटीना अपर्चर एरिया के जैसा ही होता है, ठीक है। नेम द वेव विच ट्रेवल्स इन द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, जो लाइन ऑफ साइट LOS में ट्रेवल करती है, तो डायरेक्ट वेव जो होती है हमारी वो लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस में ट्रेवल करती है।
आगे आते हैं 36 पे, द हाई फ्रिक्वेंसी करंट इज कन्वर्टेड इनटू ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाई, तो कौन करता है? एंटीना करता है। तो एंटीना का एक यूज़ है कि वो कन्वर्ट करता है हाई फ्रिक्वेंसी करंट को, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। आइडियली वोल्टेज वेव स्टैंडिंग रेशियो शुड बी, तो आइडियल जो हमारा VSWR होता है तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए, अगर आइडियल केस की बात करें तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए। ओके, एज क्लोज टू यूनिटी एज पॉसिबल। उसके बाद आते हैं 44 पे ही, यागी उड़ा एंटीना प्रोड्यूसेस। तो यागी उड़ा एंटीना के बारे में बार बार चीज़ें आ रही हैं, तो जो चीज़ें उनको याद रखेंगे, और वो एक एंड फायर एरे पैटर्न को बनाता है, ये याद रखेंगे, यागी उड़ा एंटीना एंड फायर एरे। फिर आते हैं विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज यूज फॉर मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो आयनोस्फेयर मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। और माइक्रोवेव आयनोस्फेयर को पेनिट्रेट करके चला जाता है, इसलिए वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आते हैं डैश विच अमंग द फॉलोइंग दैट डिफाइंस द लो स्ट्रेंथ लो सिग्नल स्ट्रेंथ इन एंटीना, तो सिग्नल स्ट्रेंथ अगर वो कम बोल रहे हैं कि एंटीना में है तो क्या उसको डिफाइन करेगा, तो नल डिफाइन करता है कि एंटीना की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो कम है। आगे बढ़ते हैं, द मेजरमेंट ऑफ अ यूनिलेटरल प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टिविटी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ अ यूनिलेटरल प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टिविटी, या फिर बोले तो मेजरमेंट ऑफ डायरेक्टिविटी इज क्या होता है, वो होता है बीम विद। उसके बाद आते हैं 46 पे, द पैरासिटिक एलिमेंट ऑफ एन एंटीना विल, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरासिटिक एलिमेंट एक वर्ड है एंटीना के रिगार्डिंग, तो वो क्या करता है, पैरासिटिक एलिमेंट डायरेक्टिविटी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, डिपेंड कर रहा है किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम तो थोड़ा अजीब है, पैरासाइट है, वो फ़ायदा भी दे सकता है नुकसान भी। उसके बाद आते हैं 39 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इम्प्रूव्स द डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटीना, तो पैरासिटिक एलिमेंट है वो डायरेक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है, बाकी सबके कंपेरिजन में, और किसी की केस में घटा भी सकता है। वॉट इज मीन बाई ड्रिवेन एलिमेंट, द एलिमेंट फेड बाई ट्रांसमिशन लाइन, तो ये याद रखेंगे, द एलिमेंट फेड बाई ट्रांसमिशन लाइन, ओके, इज द ड्रिवेन एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं 48 पे, मीडियम फ्रिक्वेंसी वेव ट्रेवल मेनली एज स्काई वेव, तो मीडियम फ्रिक्वेंसी जो वेव्स होती है तो वो नॉर्मली हमारा स्काई वेव की तरह ही, मतलब स्काई वेव की कैटेगराइजेशन में ट्रेवल करती हैं, ग्राउंड में भी कर सकती हैं ऊपर देखा, पर मेनली स्काई वेव्स। उसके बाद आते हैं द मेजरमेंट विच डिफाइंस हाउ द एंटीना कंसंट्रेट्स इज रेडिएटेड पावर इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब अपनी पूरी पावर को, अगर इसको हिंदी में समझें कि अपनी पूरी पावर को एक गिवन डायरेक्शन में कैसे कंसंट्रेट करेगा, मतलब कि वो गेन कितना कर रहा है, गेन का क्या मतलब होता है कि अगर पावर तो फैल रही है, ठीक है, अगर उसको कंसंट्रेट करके एक ही डायरेक्शन में लगा दो तो वही तो उस चीज़ का गेन हुआ एक्चुअल केस में देखा जाए तो यही चीज़ है कि उसको हम गेन बोलेंगे, नॉट एफिशिएंसी, नॉट पावर, नॉट पोलराइजेशन, इट इज़ गेन। आते हैं नेक्स्ट 49 पे, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स डेट डिटरमाइन द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ एन एंटीना, तो एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस कौन बताता है, द लोकेशन ऑफ द एंटीना विद रिस्पेक्ट टू द नियर बाई ऑब्जेक्ट हमको बताएगा उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस। अब ऐसा क्यों है, रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या है, जो वर्चुअल रेजिस्टेंस है, रेडिएशन का रेजिस्टेंस होगा तो रेडिएशन को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा वो चीज़ भी तो डिफाइन करेगी ना, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि हमारा एंटीना लोकेटेड कहाँ पे है, तो इस वजह से ये पॉइंट बोला गया है। 50, व्हाट इज द एंगल बिटवीन हाफ पावर रेडिएशन पॉइंट, तो बीम विड्थ जो होती है तो वो हाफ पावर, मान लो कुछ रेडिएशन पॉइंट के बीच का ये जो विड्थ है तो वो हमारा बीम विड्थ है। फिर आते हैं 42 पे पहले, फॉर ट्रांसमिशन लाइन लोड मैचिंग ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज बेस्ट टू यूज आर, ठीक है, लोड मैचिंग अगर करनी है हमें ट्रांसमिशन लाइन की तो सबसे अच्छी चीज यूज करने क्या है, डबल स्टब को हमें यूज करना चाहिए, कुछ एक डिवाइस करके होती है स्टब, ठीक है, स्टब ये तो वो सिंगल डबल होता है, तो डबल स्टब यूज करेंगे तो हमको सबसे अच्छी लाइन लोड मैचिंग हमको मिलेगी, तो ये याद रखेंगे। 41 अब देखते हैं, टू मेक मोर डायरेक्शनल, हमें और ज़्यादा डायरेक्शनल बनाना है, इधर इट्स साइज मस्ट बी इंक्रीज, और या तो उसका दो तरीके हैं, ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका, या तो आपको मोर डायरेक्शनल बनाना है तो उसका आप साइज़ बढ़ा दो, मतलब क्या है एंटीना की पावर बढ़ जाएगी तो मोर डायरेक्शनल हो जाएगा, और नंबर टू उसका EIRP बढ़ा दो, इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर, अगर आप एक पैरामीटर डिफाइंडर एंटीना के रिगार्डिंग
तो अगर आप EIRP उसका बढ़ा दोगे तो भी उसकी पावर या फिर मोर डायरेक्शनल हम बना सकते हैं एंटीना को, पावर बढ़ जाएगी एंटीना की। आते हैं 51 पे, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन डेंसिटी इंटेंसिटी टू द एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी, इसी को हम कहते हैं डायरेक्टिव गेन। ठीक है, तो मैक्सिमम रेडिएशन जितना गया अपॉन जितना एवरेज जा सकता था तो उतना ज़्यादा मतलब हमको एज अ गेन मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव गेन। 58, रेशियो ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस टू द टोटल रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी ऑफ एन एंटीना, कि रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना है और इन कंपेरिजन टू टोटल रेजिस्टेंस। तो ये दो क्वांटिटी निकली जो कि रेशियो से रिलेट करती हैं एंटीना के अंदर, डायरेक्टिव गेन और एफिशिएंसी ऑफ एंटीना। 59, विच लोब कंटेन्स मैक्सिमम, ठीक है कौन से लोब में मैक्सिमम पार्ट ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक है, तो मेजर लोब में मैक्सिमम होगा, साइड लोब में थोड़ा होगा, बैक लोब में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो ये इसके क्वेश्चन आएंगे आगे कि मैक्सिमम रेडिएशन किस पार्ट में होता है, किस लोब में होता है। लोब क्या होते हैं, लोब होते हैं कुछ इस तरीके के, ये मेजर लोब है, ये साइड लोब्स है, ये बैक लोब है। तो एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न है कुछ इस तरीके से लोब्स में बनाया जाता है। 52 पे आते हैं, व्हेन एंटीनाज आर क्लोज टू द ग्राउंड देन इट्स पोलराइजेशन इन इज, तो वर्टिकल पोलराइजेशन होगा जब एंटीना ग्राउंड से हमारे क्लोज होंगे तो वर्टिकल पोलराइजेशन होगा। ये हो गया डैश एनर्जी विच रेडिएट्स इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, लाइट वेव, एक्सरे। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ ही रहे हैं, तो वो एनर्जी है जो इतने सारे तरीके के वेव्स में हमारा ट्रेवल करती है। 61 देखते हैं पहले, रेडिएशन पैटर्न ऑफ स्लॉट एंटीना, तो स्लॉट एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न होता है तो वो हमारा क्या हमने बोला है ओमनी डायरेक्शनल होता है। 60, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू सप्लाई पावर फ्रॉम द ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन, तो पावर को सप्लाई करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन से और ट्रांसमीटर की साइड में क्या यूज़ करते हैं, तो ड्रिवन एलिमेंट को हम यूज़ करते हैं। तो इसको याद रखेंगे, ड्रिवन एलिमेंट को यूज़ करते हैं टू सप्लाई पावर। 54, अचीव मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो पैराबोलिक रिफ्रैक्टर्स को हम यूज करते हैं टू अचीव, ठीक है, यूज टू अचीव मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ट्रांसफर्ड, बस इतना याद रखेंगे, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। 62, लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है इफेक्टिव हाइट के, तो ये याद रखेंगे, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी के लिए, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू इफेक्टिव हाइट। विच एलिमेंट इज यूज टू इंक्रीज द गेन ऑफ यागी उड़ा एरेज, तो यूजिंग मैनी डायरेक्टर, बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स को अगर यूज़ करेंगे तो उसका गेन बढ़ जाएगा, तो गेन को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ डायरेक्टर को यूज़ करना ये एक तरीका है, ठीक है, यागी उड़ा एरेज के गेन को बढ़ाने का। उसके बाद करते हैं बात 56 की, डैश डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्नल प्रोपोगेटेड फ्रॉम द एंटीना, तो पोलराइजेशन जो होता है कि कैसा है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये हमें बता रहा है ओरिएंटेशन के बारे में, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्नल का। फिर आता है कि डैश इज अ रेडिएशन फ्रॉम एन एंटीना एट अदर एंगल्स देन द डिजायर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो डिजायर्ड डायरेक्शन में तो हमारा मेजर लोब है जो हम चाह रहे हैं कि हमें इस डायरेक्शन में मिले रेडिएशन, पर उसके अलावा भी अगर थोड़ा रेडिएशन कहीं जा रहा है तो वो हमारा क्या होगा, साइड लोब्स में होगा। फिर आते हैं 63 पे, डैश इज नोन एज अ सिंगल डायरेक्टिव एंटीना, तो कौन सा हमारा, तो कॉर्नर रिफ्लेक्टर जो है तो वो एक सिंगल डायरेक्टिव एंटीना हम उसको कह सकते हैं। एंटीना एरेज हैविंग वन एक्टिव डायपोल एंड टू और मोर पैरासिटिक एलिमेंट, तो यागी उड़ा एंटीना की बार बार बात हो रही है, तो यागी उड़ा एंटीना के अंदर क्या होता है, एक तो एक्टिव डायपोल होता है, ये याद रखेंगे, ओके, और दो या दो से ज़्यादा हमारे क्या हो सकते हैं, पैरासिटिक एलिमेंट्स हो सकते हैं एक, ठीक है, यागी उड़ा एंटीना में, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। 65, डैश एंटीना इज वेरी यूजफुल एज अ मल्टी बैंड HF रिसीविंग एंटीना, तो ये एक नया आया कि लॉग पीरियडिक एंटीना एक बहुत अच्छा मल्टी बैंड HF रिसीविंग एंटीना के रूप में काम कर सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ डायरेक्शनल एंटीना विद टू और मोर एलिमेंट, ठीक है, तो एरे की बात उसको डिफाइन यही किया था कि नंबर ऑफ एंटीना को अगर यूज़ कर रहे हैं हम और मतलब सारे एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, गेन उनका ज़्यादा होगा अगर एक एंटीना को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर 10 को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा गेन मिल रहा है ना इसी वजह से, तो इस कॉल्ड डायरेक्शनल एंटीना विद टू और मोर एलिमेंट, तो जहाँ पे हमें डिफाइन करने के लिए बात कर दी गई टू और मोर एलिमेंट, तो वो क्या बनाएंगे, वो एरे बनाएंगे।
विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स दैट इज नॉट रिलेटेड टू याकिउड़ा एंटीना. तो पैरासिटिक एलिमेंट्स हमने देख लिया, गुड बैंडविड्थ है, फोल्डर डायपोल है, हाई गेन जो होता है वो एक पैरामीटर नहीं एसोसिएटेड है याकिउड़ा एंटीना के साथ में. डैश इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ टू द माउथ ऑफ पैराबोला. तो अपर्चर जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, अपर्चर होता है रेशियो ऑफ फोकल लेंथ टू द माउथ ऑफ पैराबोला. एंटीना गेन मीन्स, एंटीना गेन का क्या मतलब होता है, तो इसको चेक कर लेंगे आंसर. लेकिन वैसे तो यही है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ रिलेटिंग टू द रेडिएटेड सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटीना टू अनदर एंटीना. तो नॉर्मली ये नहीं आएगा क्वेश्चन, मतलब इसके ऑप्शन एक बिल्कुल मैच करते हुए हैं, तो ये इसका आंसर है. बाकी एंटीना गेन, अगर एंटीना पढ़ा है तो इसको हमें पता होना ही चाहिए, तो इसको देख लेंगे बुक से. फिर डैश ऑफ द एंटीना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो बस इसको याद रख लेंगे, ये जो यहाँ पे बना हुआ है कि साइज ऑफ एंटीना जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है. एक रेशियो ऑफ द रेडिएटेड टू द रिफ्लेक्टेड एनर्जी, तो उसको हम रेडिएशन की एफिशिएंसी बोलते हैं. ठीक है, रेशियो की बात कर रहे हैं तो कुछ एफिशिएंसी ही बता रहा होगा. तो रेडिएटेड टू द रिफ्लेक्टेड एनर्जी मतलब रेडिएशन हमारा एफिशिएंसी हो गई. तो ये हो गया. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अब पैरामीटर यूज टू कैलकुलेट, पहले इसको ये कर देते हैं. अब पैरामीटर यूज टू कैलकुलेट द रिसीविंग पावर ऑफ द एंटीना. तो इफेक्टिव अपर्चर की मदद से हम क्या रिसीविंग पावर एंटीना की पता कर सकते हैं. तो इफेक्टिव अपर्चर एक पैरामीटर है जिससे हम पता कर सकते हैं क्या हमारा रिसीविंग पावर होगी. उसके बाद 69, रेशियो ऑफ द रेडिएटेड पावर टू द पावर डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव. तो ये फिर बार बार रेशियो, तो ये जितने रेशियो हैं इनको एक जगह लिख के रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. तो रेडिएटेड पावर टू द पावर डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव, तो उसको हम स्कैटरिंग अपर्चर भी बोलते हैं. अपर्चर का टाइप है स्कैटरिंग अपर्चर. फिर इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है ट्रांसपोंडर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपोंडर इज अ सैटेलाइट इक्विपमेंट विच क्या करता है वो सब कुछ, ये सारे के सारे काम करता है. रिसीव्स अ सिग्नल फ्रॉम अर्थ स्टेशन एंड एम्पलीफाइज, मतलब उसका मेन काम यही है कि अर्थ स्टेशन से जो सिग्नल है उसको रिसीव करो, ठीक है, और उसको एम्पलीफाई करके फिर आगे ब्लॉक में भेजो. चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीव सिग्नल और री ट्रांसमिट द रिसीव सिग्नल, उसको फिर से रीट्रांसमिट करना उसको एम्पलीफाई करने के बाद. ठीक है, तो डैश लोब्स आर एडजेसेंट टू द मेन लोब. तो मेन लोब के पास कौन सा होगा, बैक तो पीछे हो जाएगा, तो साइड लोब जो होंगे तो वो उसके एडजेसेंट होंगे. और कौन से लोब अपोजिट होंगे, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि बैक लोब जो होंगे तो वो हमारे अपोजिट होंगे. बैक लोब अपोजिट होंगे, साइड लोब एडजेसेंट होंगे. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट नल्स ऑफ द पैटर्न. तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट नल्स, मान लो कुछ पैटर्न है उसके ये नल्स हैं, तो पहले नल्स के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन होगा तो उसी को फर्स्ट नल हमने क्या बोला, बैंडविड्थ बोला, FNBW. और एक होता है HPBW, ये सब टर्म्स रिलेटेड. तो फर्स्ट नल बैंडविड्थ. नेक्स्ट आते हैं कि डैश इज द फिक्सियस रेजिस्टेंस इन द फार फील्ड रीजन. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि रेडिएशन इज द फिक्सियस, जो हमने माना हुआ है फार फील्ड रीजन का में रेजिस्टेंस अगर कुछ होगा तो वो रेडिएशन रेजिस्टेंस होगा. आगे बढ़ते हैं. नेम द फील्ड पैटर्न क्लोज टू द एंटीना. तो फील्ड पैटर्न जो एंटीना के पास होता है तो वो उसको इंडक्शन फील्ड हम कहते हैं. फार फील्ड उसके नाम से ही कि दूर वाली फील्ड है. एन एंटीना दैट ट्रांसमिट और रिसीव इक्वली वेल इन ऑल डायरेक्शन. तो एक एंटीना जो सब डायरेक्शन में एक जैसा ही ट्रांसमिट या रिसीव करता है तो उसको हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना कहते हैं. तो ओमनी डायरेक्शनल का ये मतलब है. नेक्स्ट आते हैं 86 पे कि डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ट्रांसमिशन लाइन. तो ड्रिवन एलिमेंट जो होता है तो ट्रांसमिशन लाइन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, तो ये याद रखेंगे. और इसी पे सेम क्वेश्चन आ जाता है कि नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है, तो पैरासिटिक एलिमेंट वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है ट्रांसमिशन लाइन से. फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 88 विच इज अ वाइड बैंडविड्थ मल्टी एलिमेंट एरे. तो वाइड बैंडविड्थ का एरे है तो लॉग पीरियोडिक इज अ वाइड बैंडविड्थ मल्टी एलिमेंट एरे है. फिर द एंटीनाज पोलराइजेशन इज एच, मतलब हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन हमको दिया हुआ है. तो व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एंटीनाज परपेंडिकुलर टू द अर्थ. तो यहाँ पे क्या बात आ रही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं एच से, तो वो जो एच है वो परपेंडिकुलर है अर्थ के. और H का मतलब ही तो ये ट्रिक है याद करने की, H मतलब परपेंडिकुलर है. और पर क्या है ये भी याद रखना है, परपेंडिकुलर है.
तो हमारा पोलराइजेशन भी हॉरिजॉन्टल होगा। ये हो गया, ये हो गया, रेशियो ऑफ द मेन बीम एरिया टू द टोटल बीम एरिया। तो ये क्या है, बीम की हमको एफिशिएंसी बता रहा है कि मेन बीम एरिया कितना है और मेन लोब का और टोटल बीम एरिया कितना है, तो वो हमें एक एफिशिएंसी बता रहा है। और किसकी बात हो रही है, बीम की, तो बीम एफिशिएंसी। तो रेशियो ऑफ मेन बीम एरिया टू द टोटल बीम एरिया, बीम एफिशिएंसी। फिर इधर आते हैं 89 पे, विच पोलराइजेशन दस अकर व्हेन देयर इज अ मिक्स ऑफ लीनियर प्लस सर्कुलर। तो लीनियर और सर्कुलर को अगर मिला देंगे तो तभी हमको क्या मिलता है, एलिप्टिकल पोलराइजेशन मिलता है। तो ये याद रखेंगे। फिर इधर बात करते हैं 90 पे कि यागी उड़ा एंटीना में मैक्सिमम रेडिएशन जो होता है तो वो किसके तरफ होता है, तो डायरेक्टर की तरफ होता है। तो ये याद रखेंगे, डायरेक्टर की तरफ हमारा मैक्सिमम रेडिएशन होता है। 83, एंटीना इनपुट इम्पिडेंस इज अदरवाइज नोन एज फीड पॉइंट इम्पिडेंस। तो एंटीना इनपुट इम्पिडेंस को हम फीड पॉइंट इम्पिडेंस भी कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है काफ़ी, फीड पॉइंट इम्पिडेंस भी कहते हैं एंटीना इनपुट इम्पिडेंस को। 91, डैश इज अ पैरामीटर यूज टू मेजर हाउ मच नॉइज इज प्रोड्यूस बाई एन एंटीना। तो टेम्परेचर इज अ पैरामीटर। अच्छा, कभी भी कम्युनिकेशन में नॉइज है वहाँ पे एनालॉग और डिजिटल में और इधर भी, तो टेम्परेचर हमेशा नॉइज से रिलेटेड पैरामीटर एक रहा है हमेशा। तो एंटीना का टेम्परेचर तो वो बता देगा कि कितनी हमारी नॉइज जनरेट हुई है। फिर बात करते हैं कि इंटरचेंजेबिलिटी इज रेसिप्रोसिटी। तो इंटरचेंजेबिलिटी से रिलेटेड क्या टर्म है, एक वो टर्म है रेसिप्रोसिटी। तो बाकी पढ़ ही लेंगे, रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स द इंटरचेंजेबिलिटी फॉर द ट्रांसमिटिंग एंड द रिसीविंग ऑपरेशन। तो एक्यूरेसी बिल्कुल गलत है इस मैं भरने के लिए ऑप्शन, एफिशिएंसी भी नहीं और पोलराइजेशन भी नहीं, रेसिप्रोसिटी। डैश एंटीना है सर्कुलरली पोलराइज। तो ये मैं कहूँ कि ये ESE के एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत घुमा के 2 से 3 बार आ चुका है कि हेलिकल एंटीना सर्कुलरली पोलराइज, मतलब ये रिलेटेड है कि हेलिकल एंटीना और सर्कुलर पोलराइजेशन ये रिलेटेड रहते हैं बार बार। आगे बढ़ते हैं 92, एन एंटीना विच एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू एन ओपनिंग। तो अपर्चर एंटीना अपनी एक ओपनिंग से ईएम वेव्स को एमिट करता है। लास्ट में आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रिवन एरे। कौन सा एक ड्रिवन एरे नहीं है, तो यागी उड़ा एरे हमारा ड्रिवन एरे नहीं है, एंड फायर ब्रॉडसाइड कोलिनियर तीनों ड्रिवन एरे हैं, यागी उड़ा नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज लॉन्गर। तो डायरेक्टर पैरासिटिक ड्रिवन एलिमेंट में सबसे बड़ा क्या होता है, रिफ्लेक्टर जो एलिमेंट होता है वो लॉन्गर होता है। इधर आते हैं, ये रिपीटेड है, ये क्वेश्चन नीचे है, उधर भी देखेंगे उन्हें। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस देन व्हाट विल बी एडेड टू द यागी उड़ा एरे। तो यागी उड़ा एरे की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ रिफ्लेक्टर्स अगर हम लगा दें तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। मोर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी एक ऑप्शन में था, ऊपर हमने देखा था। फिर देखते हैं 97, द फ्रिक्वेंसी इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ इज नोन एज क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसी रिफ्लेक्टेड बैक हो जाए अर्थ में तो उसको हम क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। फिर आता है कि डैश एंटीनाज यूज टू कन्वर्ट स्फेरिकल वेव्स इनटू फ्लैट। तो जहाँ पे बात आ गई स्फेरिकल की, फिर आता है कि कॉनवेक्स कॉनकेव, तो वहीं पे मतलब क्या हो गया, लेंस एंटीना का जिक्र हो गया। तो ये ट्रिक याद करने की क्या है कि स्फेरिकल वेव्स फ्लैट प्लेन में जब बात आई तो लेंस एंटीना। फिर आते हैं ये वही 1998, दो बार लिख दिया है 99 पे, और पहले 100 देख लेते हैं। तो हमने क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी तो 97 में देखी, अब बात करेंगे गायरो फ्रिक्वेंसी की। तो गायरो फ्रिक्वेंसी क्या है वो देखते हैं, इज कॉल्ड गायरो फ्रिक्वेंसी। द फ्रिक्वेंसी वोज पीरियड इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन और इन इट्स ऑर्बिट। तो जो पीरियड किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का उसकी ऑर्बिट में, उसकी इक्वल जिस फ्रिक्वेंसी का पीरियड होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो उसको हम गायरो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में किस पीरियड से घूम रहा है और इस फ्रिक्वेंसी का पीरियड क्या है, वो दोनों सेम है, तो उसको बोला हमने गायरो फ्रिक्वेंसी। देखते हैं लास्ट 99, द चेंज इन द चैनल इम्पल्स रेस्पॉन्स रेट इज मोर। तो चैनल इम्पल्स रेस्पॉन्स रेट का जो चेंज है वो मोर है देन द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज नोन एज स्लो फीडिंग। तो मोर वाले को हम स्लो फीडिंग बोलते हैं, उल्टा चलता है, फास्ट फीडिंग नहीं स्लो फीडिंग, मोर वाले को, तो इससे याद रखेंगे।